हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लास। चलिए आज हम सीखते हैं कॉमन एरर का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले सात पार्ट सेवन तक कर चुके थे, अब हम पार्ट एट करेंगे। इससे पहले हम 175 तक मतलब 175 तक क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम 176 से क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं 176। देखिएगा लिखा हुआ है, इट वॉज हिम हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। देखिएगा ये वर्ड लिखा हुआ है, इट वॉज मी लिखा हुआ। देखिए ये सेंटेंस है, इट वॉज मी। एक रूल होता है, एक रूल होता है, एक प्लस एच या वाच आ प्लस सब्जेक्टिव इज। इट इज हो या वाच हो, इट इज हो या वाच हो, उसके बाद सब्जेक्टिव इज का प्रोनाउन होता है। अगर हम लिखे इट इज मी तो ये गलत हो जाएगा। सही होगा इट इज आ, मतलब इट इज या इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। इट इज या इट वाज के बाद कौन केस का प्रोनाउन? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। इसलिए यहाँ इट इज मी गलत है, सही होगा इट इज आ। अब आ जाइए क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ इट वाज मी कह रहा है, इट वाज मी नहीं इट वाज आई होगा, क्योंकि इट इज या इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिएगा, आई वॉन्डर वाई आर यू थिंकिंग विद द वाइन यू माइट गेट अ शॉक। अब देखिएगा यहां पर आई वॉन्डर वाई आर यू, देखिए एक रूल ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू एच वर्ड आए, डब्ल्यू एच वर्ड आए, तो सेंटेंस के लास्ट में देखना है। क्या देखना है? सेंटेंस के लास्ट, क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप। देखिए अगर डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो सेंटेंस के लास्ट में देखना है, क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप। यदि क्वेश्चन मार्क हुआ तो डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब। यदि क्वेश्चन मार्क हुआ तो डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। यदि फुल स्टॉप हुआ तो डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जाए। यदि फुल स्टॉप हुआ तो डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जाए। मतलब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन, यहां कह रहा है आई वंडर व्हाई, डब्ल्यू एच वर्ड आए सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए यहां पे ये फुल स्टॉप, अब फुल स्टॉप है इसका मतलब है लास्ट डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब चाहिए। इसलिए व्हाई यू आर, व्हाई यू आर थिंकिंग ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर सी हैड रियलाइज हर ब्लंडर देन सी बिगन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। लास्ट में नो एरर दिया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नो सूनर आया, अब नो सूनर का स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा। देखिए नो सूनर आएगा उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिड आई या हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी वन या बी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद देन, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। नो सुनर आ तो नो सुनर के तुरंत बाद क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब डिड या है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी वन या बी थ्री, डिड होगा तो बी वन, हैड होगा तो बी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर देन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें बराबर क्वेश्चन आता है, नो सुनर के साथ कंजंक्शन के रूप में देन लगता है, अगर वेन दे दिया
तो गलत होगा, और THEN देन दे दिया तो गलत होगा। इसको आपको ध्यान में रखना, बराबर यह क्वेश्चन पूछता रहता है। और नो सुनने के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मतलब कोई भी सेंटेंस निगेटिव वर्ड से शुरू होता है, यदि कोई भी सेंटेंस निगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आता है, यदि पहले सब्जेक्ट और बाद में हेल्पिंग वर्ब दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ नो सुनना निगेटिव वर्ड है, इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए नो सुनर दिखा तो हेल्पिंग वर्ब तो है ना, हैड सी हैड करा, जबकि यहाँ पर होना चाहिए हैड हैड सी हैड सी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट अस स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन द पार्क कैन, देखिए क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन हो और प्रथम अंश में लेट अस क्या चीज हो, लेट अस, तो दूसरे अंश में शैल वी दे, क्या देंगे शैल वी, तो यहां पर होगा शैल वी। क्वेश्चन टाइप के प्रथम अंश में यदि अंश लेट अस से शुरू, यदि क्वेश्चन टाइप के प्रथम अंश लेट अस से शुरू हो तो दूसरे अंश में शैल वी लगाया जाए, क्या चीज लगाया जाएगा शैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यू हैड बेटर अ गॉन नाउ और यू विल बी लेट। अब देखिए ये हैड बेटर कर है, हैड बेटर हो, हैड सुनर हो, नो सुनर हो, उसके बाद बेटर हो, हैड बेटर, नो हैड सुनर के बाद जो आगे जो वर्ड आएगा वो बेयर इंफिनिटिव रहेगा, बेयर इंफिनिटिव मतलब भी वर्ड, ए गॉन के जगह गो हो जाए, ए गॉन के जगह क्या होगा गो, ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट टू डिकेड्स। देखिएगा गुलमोहर पार्क लिखा हुआ है, यहां पर फोर के बाद टाइम आया, अब ध्यान दीजिए फोर हो या फिर सिक्स, इसके साथ यदि टाइम आता है तो ज्यादा संभावना होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाए, फोर के बाद या सिंस के बाद टाइम आए तो ज्यादा संभावना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग। अब देखिए क्वेश्चन पे चले, फोर के साथ टाइम दिया गया है तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पर हैव बीन लिविंग, आर के जगह पर हैव बीन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू मिलियंस ऑफ पीपल, देखिए टू मिलियंस ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। देखिएगा टू मिलियंस ऑफ पीपल अगर होता तो बात सही था, क्योंकि ऑफ लगा हुआ तो ऑफ के पहले मिलियन हो, हंड्रेड हो, लाख हो, करोड़ हो, सबके पहले एस लगता है, अगर एस नहीं लगा हुआ है तो यहां पर ऑफ हटा सकते हैं, मतलब टू मिलियन पीपल सिंपल तौर पर लिख सकते हैं, टू मिलियन पीपल होगा, ऑप्शन नंबर होगा। नेक्स्ट, देयर इज अ बेस्ट वायलिन कॉन्सर्टो लिखा हुआ, देखिए इस वर्ड इसका मतलब होता है संगीत रचना, संगीत रचना, और यहां पर चाहिए संगीत मंडली, संगीत मंडली, इसलिए होगा कॉन्सर्ट, ऑप्शन नंबर ए। ले योर बुक्स एसाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देखिए यहां पर ले योर बुक्स एसाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, कुछ क्षण के लिए आराम कीजिए। अब यहां पर एक वर्ड देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक होता है लाइन, ये बी वन इसका मतलब होता है झूठ बोला, इसका अगर बी टू बनाएंगे तो लाइव हो जाए, और बी थ्री बनाएंगे तो लाइव, और एक ये लाइन है इसका मतलब होता है परे रहा, अगर इसको बी टू बनाएंगे तो एल ए वाई ले हो जाएगा और एल ए आई एल ले बी थ्री हो जाएगा, और एक ले है इसका मतलब होता है बिछाना, इसका अर्थ होता है बिछाना, इसका बी टू बनाएंगे तो एल ए आई डी होगा और बी थ्री बनाएंगे तो एल ए आई डी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, पहला वाला लाई का अर्थ होगा झूठ बोलना, ये लाई का अर्थ होगा परे रहना, और ये ले का अर्थ होगा परे रहना, लाई झूठ बोलना
तो इसका बी टू लाइट हो जाएगा और बी थ्री लाइट हो जाएगा। लाइट पड़े रहना इसका बी टू ले हो जाएगा और बी थ्री लेन हो जाएगा। और ले मतलब होता है बिछाना, तो यहाँ पर लेड बी टू हो जाएगा और बी थ्री लेन हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन, ले योर बुक्स इस साइड, ठीक है, एंड ले डाउन कर रेस्ट, आराम करने के लिए पड़े रहेगा लोग, इसलिए यहाँ पर होगा लाई, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट अगला देखिए, वी कैन वेट, वी देखिएगा, वी वेट विद गुप्ता, देखिए गुप्ता लिखा हुआ है, कोई भी जाति हो, धर्म हो, उपजाति हो, सबके नाम के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए वी द गुप्ता होगा, द गुप्ता होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंस एन ओल्ड हर्मिट सॉ अ कैट पॉन्स अपॉन अ रैट, देखिए पॉन्स, पॉन्स मतलब होता है झपट्टा मार, पॉन्स का अर्थ होता है झपट्टा मार, और इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है, पॉन्स ऑन अ रैट होगा, ऑप्शन नंबर सी, पॉन्स ऑन अ रैट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी व्हिच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी लास्ट मेटोरियल लिखा। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है व्हिच, रिलेटिव प्रोनाउन, व्हिच के पहले जो प्रोनाउन है नाउन है वैरायटी वो सिंगुलर, मतलब व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली भाव रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाली को साथ लगता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला भाव है इन्वेड, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले को साथ लगेगा, तो पहला वाला वैरायटी तो सिंगुलर है तो भाव भी सिंगुलर था, ये इन्वेड की जगह इन्वेड होगा, इन्वेड की जगह इन्वेड होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड, देखिए स्टार्टेड मतलब भी आरंभ करना होता है और फर्स्ट मतलब भी होता है शुरुआत ही करना, तो फर्स्ट और स्टार्टेड दोनों एक साथ कभी नहीं होगा, जब भी होगा कोई एक होगा, इसलिए यहां पर व्हेन आई फर्स्ट नहीं व्हेन आई स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माय अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे ऑन द लास्ट सैटरडे, देखिए यहां लास्ट लिखा हुआ, लास्ट हो पास्ट हो एगो हो बिफोर हो यस्टरडे हो देन, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे देन के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे देन के साथ हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर हैज का प्रयोग नहीं होगा, माय अंकल लेफ्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माय ब्रदर, देखिए यहां पर एक वर्ड है लाइक, एक रूल ध्यान रखना, देखिएगा लाइक, लाइक के बाद नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा और वाक्य समाप्त हो जाएगा, और एज इट इसके बाद क्लाउज आएगा, क्लाउज मतलब सब्जेक्ट होगा भाव होगा। अब देखिए एक और है लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव किस का प्रोनाउन और एज के बाद सब्जेक्टिव किस का प्रोनाउन, लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस एज प्लस सब्जेक्टिव केस, एज के बाद क्लाउज आएगा, लाइक के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, वाक्य समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर लाइक यू डिड भाव है, इसका मतलब यहां यू यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यू डिड है मतलब आगे भाव भी आ रहा है, मतलब ये क्लाउज है, तो यहां पर लाइक नहीं एज होगा, यहां पर लाइक की जगह एज होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज थ्री सन्स नीदर हैज एनी मेरिट, अब देखिए नीदर वर्ड है यहां पर थ्री सन्स, एक वर्ड होता है नीदर, और एक होता है नन या नो वन लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए नीदर का प्रयोग जब बात दो की हो, दो में से दोनों को नहीं दर्शाने के लिए नीदर का प्रयोग करते हैं, दो में से दोनों को नहीं दर्शाने के लिए नीदर का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक में से कोई नहीं को दर्शाना होगा तो नन या नो वन का प्रयोग करेंगे,
जब बात दो की हो तो निगर का प्रयोग करेंगे और जब बात दो से अधिक की होगी ना तो नन या नोमन का प्रयोग करेंगे। अब आइए क्वेश्चन, यहाँ पर थ्री सेंस लिख रहा है तो निदर नहीं नन हो, जब बात दो से अधिक की हो तो नन का प्रयोग करेंगे या फिर नोमन का प्रयोग, ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आफ्टर नोइंग टूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। अब देखिएगा यहाँ ट्रूथ है, देखिए कोई भी स्ट्रिक्ट रूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, कोई भी स्ट्रिक्ट रूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ट्रूथ एक ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है जिसके पहले द लगेगा हमेशा। आई स्पीक द ट्रूथ मतलब स्ट्रिक्ट रूल के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन इंग्लिश का कोई भी रूल फिक्स नहीं होता है, अवस्था के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रूथ के पहले द का प्रयोग है। ट्रूथ एक स्ट्रिक्ट रूल होने के बावजूद भी इसके पहले द का प्रयोग होता है। आई स्पीक द ट्रूथ, इसलिए यहाँ होगा आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखिए एक वर्ड आया है इट इज टाइम, एक रूल होता है इट इज टाइम इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम है। ये सब के बाद यदि कोई सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस आएगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इट इज टाइम के बाद भी सिंपल पास्ट, इट इज हाई टाइम के बाद भी सिंपल पास्ट, और इट इज टाइम वेन के बाद भी सिंपल पास्ट। इट इज हाई टाइम इट इज टाइम वेन के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का सेंटेंस आता है। अब आ जाइए क्वेश्चन, इट इज टाइम यू डिसाइड, ये सिंपल प्रेजेंट कर दिया इसलिए डिसाइड नहीं डिसाइडेड होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। इट इज टाइम हो इट इज हाई टाइम हो इसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट, ध्यान रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट, He who has suffered most of the cows, let him speak. यदि आपको कुछ चीज की समस्या तो आपको बोलना चाहिए, यदि उसे कुछ चीज की समस्या तो उसे बोलना चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ let का प्रयोग let him speak नहीं, उसे बोलने दो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर he should speak होगा, ऑप्शन नंबर सी। A cup of coffee is an excellent compliment. टू स्मोक सलमान, देखिएगा यहाँ पर टू लिखा हुआ है तो टू के साथ तो भी बनाता है, स्मोक्ड दिया गया, बीच भी दिया गया, ऐसा कभी होगा नहीं। चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, सपोज कीजिए ये नाउन है सलमान, तो इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दीजिए, जब ये नाउन होगा ये एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब यहाँ पे द लगेगा, टू द स्मोक सलमान है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट देखिएगा, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। देखिए एक रूल होता है ए नंबर ऑफ, इसके बाद प्लूरल का टेबल लो, प्लूरल का एक है द नंबर ऑफ, इसके बाद प्लूरल का टेबल लो सिंगलर का, मतलब ए नंबर ऑफ के बाद आगे आने वाला नॉन भी प्लूरल भाव भी प्लूरल होगा, ए नंबर ऑफ के बाद आगे आने वाला नॉन प्लूरल भाव प्लूरल, लेकिन डॉन नंबर ऑफ के बाद आने वाला नॉन चाहे जैसा भी हो भाव हमेशा सिंगलर रहेगा, मतलब डॉन नंबर ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नॉन है तो नॉन प्लूरल भाव भी प्लूरल भाव सिंगलर, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नॉन प्लूरल भाव, डॉन नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नॉन सिंगलर, दोनों ध्यान रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ए नंबर ऑफ के बाद आगे आने वाला नॉन भी प्लूरल भाव भी प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद आगे आने वाला नॉन प्लूरल भाव सिंगुलर होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन, देखिएगा द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, ए नंबर ऑफ के बाद आगे आने वाला नॉन तो प्लूरल, लेकिन क्राइटेरियंस का प्लूरल क्राइटेरियंस होता है क्या? नहीं, वैसा वर्ड जिसके अंत में वैसा लेकिन वर्ड जिसके अंत में ओ एन लगा हो, प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को हटाकर ए लगा देते हैं, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होगा,
वो एन को हटा के ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। देखिए एक अरिथमेटिक वर्ड है जिसका मतलब होता है दंडनीय अपराध, दंडनीय अपराध। तो पनिश ऑफेंस नहीं होगा, पनिशेबल ऑफेंस होगा, पनिशेबल ऑफेंस। पनिशेबल होगा, पनिश की जगह पर पनिशेबल, पनिशेबल ऑफेंस दंडनीय अपराध जिसका अंग्रेजी होता है, ये वर्ड गलत है, पनिश ऑफेंस। नेक्स्ट ए नंबर ए मेंबर सैलरी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट इन सच, सच का प्रयोग शो का प्रयोग असर व्यक्त करने के लिए होता है, तो इसकी तुरंत बाद ए का प्रयोग या फिर एन का प्रयोग होता है, जैसे सच एंड इंटेलिजेंट बॉय बोल सकते हैं, यहाँ पर सच और एक होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सिटीजंस कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स, नागरिकों जो है अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता है, तो अपने हाथ में तो आउट ऑफ नहीं होगा, इनटू होगा, इनटू आउट ऑफ की जगह पे इनटू देयर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटन टू अवेंज हिज डेथ, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटन टू अवेंज हिज डेथ, इसमें कोई एरर नहीं, इसमें है नो एरर। तो आज हम 176 से लेकर 200 तक कॉमन एरर्स देखे हैं, इसको बार बार देखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू।